तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। मैं मानती हूं आप ही जो कुछ भी हुआ वो किस्मत में लिखा था। फिर भी एक आंसरी छुपती है दिल में कि शायद अगर अम्मी ने मुझे इतना स्ट्रेस ना दिया होता तो मैंने अपना बच्चा ना खोया होता। जो भी दुख सहने पड़े सबका हिसाब लूंगी बहन से। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। अनु फूल गुस्से में निकली है फिर से। अम्मी और अनु आपे को दूर करने की प्लानिंग करते हमें जुनेद और असद भाई के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं उन्हें भी तो दूर करना चाहिए ना। आप मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। इसे पहला कदम समझो। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हापी अभी जिंदा है। अल्लाह मेरी हापी को हमेशा सलामत रखे। चलो अब उठो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। जुनेद भाई आने वाले होंगे। ये रोई धोई सी बीवी की बजाय उन्हें फ्रेश मीना मिलनी चाहिए। समझी?